हेलो एवरीवन, मैं नवीन डाबले, लेक्चरर सीएसई फ्रॉम गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज झालावाड़। तो कल हमने पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था अबाउट फंक्शंस। नेक्स्ट हमें डिस्कस करना था कॉल बाय रेफरेंस, लेकिन उससे पहले हमें एक टॉपिक सीखना है पॉइंटर्स का। तो आज डिस्कस करेंगे हम पॉइंटर्स के बारे में। तो पॉइंटर की बेसिक डेफिनेशन ये है कि पॉइंटर भी एक वेरिएबल होता है, जैसे नॉर्मल सी वेरिएबल होते हैं वैसे ही ये भी एक वेरिएबल होता है। बस डिफरेंस ये है कि नॉर्मल वेरिएबल वैल्यूज़ रखते हैं और ये किसी वेरिएबल का एड्रेस रखता है, और इसका डिक्लेरेशन कुछ नहीं करना है यहाँ पे। जो नॉर्मल वेरिएबल बनाते हैं, जैसे इंट डेटा टाइप है, पी वेरिएबल का नाम है, बस उसके आगे स्टार लगा देना है जिससे ये एक पॉइंटर बन जाएगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इंटीजर एस्ट्रिक्स पी, तो यहाँ पर पी एक पॉइंटर है जिसका डेटा टाइप क्या है, इंटीजर। अभी यहाँ पर हम इस कंसेप्ट को समझने के लिए एक एग्जांपल लेंगे पॉइंटर्स का। ये एक नॉर्मल वेरिएबल है एन इक्वल टू थ्री, जिसके अंदर वैल्यू है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक वेरिएबल बन गया है जिसका मेमोरी लोकेशन है 65524 और उसका नाम है एन और इसके अंदर वैल्यू है 3। अभी एक हमने एक पॉइंटर बनाया इंटीजर एस्ट्रिक्स पी, तो यहाँ पर पी जो है मेरा एक पॉइंटर बन गया है। तो जब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा तो बैकग्राउंड में जो प्रोसेस होगा वो ये होगा, एक स्पेस अलॉट हो जाएगा पॉइंटर पी के लिए, ये 65528 जिसका एड्रेस है। उसके बाद जब हमारा नेक्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा पी इक्वल टू एन परसेंट एन, यहाँ पर एन परसेंट जो है ये है एड्रेस ऑफ ऑपरेटर। तो अगर हम इसको पढ़ें कि एड्रेस ऑफ एन, तो एड्रेस ऑफ एन चला जाएगा पी में। तो इस स्टेटमेंट के एग्जीक्यूट होने के बाद जो बैकग्राउंड में प्रोसेस होगा वो ये है, पी पॉइंटर है, इसके अंदर एड्रेस चला गया हमारे वेरिएबल एन का 65524। तो ये सेकंड स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने के बाद आपका ये सिनेरियो है। इसके बाद अब ये बैकग्राउंड में कैसे एक पॉइंट करता है पॉइंटर, तो ये हमारा वेरिएबल है जिसका नाम एन है, इसका मेमोरी एड्रेस है 65524 और इसके अंदर वैल्यू है 3। यहाँ पर ये हमने पॉइंटर बनाया पी, तो ये इस तरह से एक स्पेस अलॉट हो चुकी है पॉइंटर पी के लिए। जब नेक्स्ट स्टेटमेंट ये एग्जीक्यूट होगा पी इक्वल टू एन परसेंट एन, तो हमें क्या करना है, एड्रेस ऑफ एन पी के अंदर डालना है, पी में वैल्यू में। तो एड्रेस ऑफ एन क्या है, 65524, ये चला जाएगा अब पी में। तो अब ये इसको पॉइंट करने लग गया, तो जो हमारा पॉइंटर पी है ये अब एन को पॉइंट करने लग गया है। एक चीज़ और ये ध्यान रखेंगे कि मतलब जो पॉइंटर है, जिस पॉइंटर का जो डेटा टाइप है, ये उसी टाइप डेटा टाइप के वेरिएबल को पॉइंट कर सकता है, ये उसी डेटा टाइप के वेरिएबल का एड्रेस रख सकता है। अब पॉइंटर्स हैं तो सिंगल पॉइंटर, डबल पॉइंटर, ट्रिपल पॉइंटर क्या होते हैं ये हम इस स्लाइड में देखेंगे। तो ये एक नॉर्मल वेरिएबल बना हमारा। अब जब ये नेक्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा तो हमारा एक और पॉइंटर बन गया पी, जिसका एड्रेस है 65528। जब हमारा नेक्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा पी इक्वल टू एन परसेंट एन, तो एड्रेस ऑफ एन यानी 65524 चला जाएगा पी की वैल्यू में। तो ये पी की वैल्यू हो गई 65524, और अब ये इसको पॉइंट करने लग गया। ऐसे ही जब हमारा ये नेक्स्ट है इंटीजर स्टार स्टार क्यू, तो ये हमारा है डबल पॉइंटर, डबल पॉइंटर, और इसके अंदर हम वैल्यू डाल रहे हैं एड्रेस ऑफ पी। तो एड्रेस ऑफ पी, तो ये हमारा पहले स्टार स्टार क्यू से ये एक पॉइंटर बन गया जिसका ये एड्रेस हो गया 65532, और इसके अंदर हम वैल्यू डाल रहे हैं एड्रेस ऑफ पी, तो एड्रेस ऑफ पी है 65528। तो अब ये क्यू जो है ये पी को पॉइंट करने लग गया। तो ये है एक डबल पॉइंटर, जो पॉइंटर पॉइंटर को पॉइंट करता है। ऐसे ही अगर हम ट्रिपल पॉइंटर बनाना चाहें तो बना सकते हैं, स्टार 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 आर लिखा मैंने, तो ये एक ट्रिपल पॉइंटर है और इसके अंदर हम डाल रहे हैं क्यू का एड्रेस। तो
अब जो r जो है ये पॉइंट करने लग जाएगा q को, तो इस तरह का हमारा एक पिक्चर जनरेट होगा जब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे। यहाँ पर जो ये एड्रेसेस हैं, n का एड्रेस 6552 4, p का एड्रेस 6558, q का एड्रेस 6552, r का एड्रेस 65536, तो ये एड्रेसेस हैं। वैल्यूज़ जो है, n की वैल्यू है 3, p की वैल्यू 6552 4, q की वैल्यू 6558 और r की वैल्यू 65532। अब इन वेरिएबल्स मतलब इस पॉइंटर के थ्रू हम वेरिएबल को कैसे एक्सेस कर सकते हैं वो हम देखेंगे इस स्लाइड में। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्टार जो है ये हमारा होता है वैल्यू एट एड्रेस ऑपरेटर। तो वैल्यू एट एड्रेस ऑपरेटर का यूज़ करते हुए हम पॉइंटर्स के थ्रू हमारे वेरिएबल को एक्सेस करेंगे। तो अगर हम यहाँ पर दो प्रिंट एफ स्टेटमेंट लिखे हुए हैं कि प्रिंट एफ परसेंट डी कोमा एन, तो ये नॉर्मल स्टेटमेंट है, ये सिंपल एन की वैल्यू प्रिंट कर देगा। तो जो ये रेड में आउटपुट आ रहा है ये फर्स्ट लाइन से आ रहा है, रेड वाली लाइन से, और जो नेक्स्ट लाइन में प्रिंट एफ परसेंट डी कोमा स्टार पी लिखा हुआ है तो ये भी आपको आउटपुट दे रहा है 3। अब ये कैसे आया 3 ये आगे देखते हैं। तो स्टार पी को अगर हम सिंप्लीफाई करें तो स्टार का मतलब है अपना वैल्यू एट एड्रेस और पी के अंदर मेरी वैल्यू क्या है 6552 4। तो अगर हम इसको सीधा सा ये पढ़ें कि 6552 4 पर क्या वैल्यू है, तो हमें दिख रहा है इस पिक्चर में कि 6552 4 पर वैल्यू क्या है 3। तो यहाँ से हमें मिल गया 3। ऐसे ही हम जब स्टार स्टार क्यू की बात करते हैं तो स्टार स्टार क्यू, तो एक स्टार हमने बाहर रखा, एक स्टार की जगह हमने लिख दिया वैल्यू एट एड्रेस और क्यू के अंदर वैल्यू क्या है 6552 8। तो हमें ये देखना है कि 6552 8 पर, इस वाले स्टेटमेंट से हमें देखना है कि 6552 8 पर क्या वैल्यू है। तो 6552 8 पर क्या वैल्यू है 6552 4। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 6552 4 और आगे हमारा लग रहा वापस एक स्टार, तो इसकी जगह हमें लिख देना वापस वैल्यू एट एड्रेस और एड्रेस है हमारे पास 6552 4। तो 6552 4 एड्रेस पर क्या वैल्यू है, तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि 6552 4 पर वैल्यू क्या है 3। तो ये भी हमें क्या देगा 3। नॉर्मल बात करें तो जैसे ये डबल पॉइंटर है तो अगर हम स्टार स्टार क्यू लिखते हैं तो हम सीधा वेरिएबल n के पास पहुंच जाते हैं। जैसे p सिंगल पॉइंटर था तो हम स्टार p लिखेंगे तो n की वैल्यू पर पहुंच जाएंगे। स्टार स्टार क्यू लिखेंगे q क्योंकि एक डबल पॉइंटर है तो हम स्टार स्टार क्यू लिखने पर n की वैल्यू के पास पहुंच जाएंगे। यहाँ पर स्टार 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 r ये एक ट्रिपल पॉइंटर है तो एक स्टार की जगह हमने लिख दिया यहाँ पर वैल्यू एट एड्रेस और यहाँ पर r की वैल्यू, तो 65532 और 65532 पर वैल्यू क्या है 6552 8। तो यहाँ से हमें मिलेगा 6552 8, फिर एक स्टार की जगह हमने वापस लिख दिया यहाँ पर वैल्यू एट एड्रेस 6552 8। तो यहाँ से देखेंगे हम 6552 8 पर क्या वैल्यू है 6552 4, तो इस एक्सप्रेशन से हमें मिलेगा 6552 4। वापस एक स्टार लग रहा है, वैल्यू एट एड्रेस लिखा उसकी जगह और 6552 4, तो 6552 4 पर क्या वैल्यू होगी हमारी 3। तो ये हमारा ट्रिपल पॉइंटर है, आपने देखा कि मतलब तीन स्टार लगा के हम वापस किसके पास पहुंच गए एन की वैल्यू के पास, तो ये हमें देगा 3। अभी इसी कंसेप्ट को समझने के लिए अब एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया है प्रोग्राम का। इसमें आप देखेंगे कि मतलब ये प्रिंट एफ स्टेटमेंट है, ये अलग अलग प्रिंट एफ स्टेटमेंट अलग अलग आउटपुट दे रहे हैं, तो ये कैसे दे रहे हैं। यहाँ पर ये जो शुरू की चार लाइनें हैं इंटीजर एन इक्वल टू 3 से लेकर और ये एन परसेंट क्यू तक, ये ऊपर वाला जो डायग्राम है ये इसी का सिनेरियो है। इसके बाद जो ये प्रिंटएफ है इसका हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कि क्या क्या आउटपुट देंगे ये। तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है ये प्रिंटएफ परसेंट डी परसेंट यू और ये n, p, q और r की वैल्यूज़ प्रिंट करेंगे। तो n की वैल्यू 3, p की वैल्यू 6552 4, q की वैल्यू 6552 8 और r की वैल्यू 6552 5, 5, 3, 2। तो ये यहाँ से प्रिंट हो गया। इसके बाद ये नेक्स्ट स्टेटमेंट है प्रिंट एफ परसेंट डी स्टार p। तो हमने देखा कि p एक सिंगल पॉइंटर है, हम
हमने एक स्टार लगा दिया तो हम सीधा एन की वैल्यू के पास पहुंच जाएंगे। स्टार की जगह हमने लिखा वैल्यू एट एड्रेस और पी की जगह उसकी वैल्यू 65524। तो 65524 एड्रेस पर क्या वैल्यू है? तो 65524 पर हम देख सकते हैं इस चित्र में कि वैल्यू है 3। तो हमें यहाँ से आउटपुट मिलेगा 3। प्रिंट एफ परसेंट यू क्यू स्टार क्यू। तो क्यू क्योंकि एक डबल पॉइंटर है तो यहाँ पर हमने वापस लिखा वैल्यू एट एड्रेस और क्यू के अंदर वैल्यू है 65528। तो 65528 एड्रेस पर क्या वैल्यू है? वापस हम डायग्राम से देख सकते हैं कि वैल्यू क्या है यहाँ पर 65524। तो हमें यहाँ से आउटपुट मिलेगा 65524। नेक्स्ट स्टेटमेंट है प्रिंट एफ परसेंट यू और एन परसेंट आर। अब ये एन परसेंट जो है ये है एड्रेस ऑफ ऑपरेटर। तो यहाँ पर हम सीधा देखें एड्रेस ऑफ आर, तो एड्रेस ऑफ आर क्या है 65536। तो यहाँ से हमें आउटपुट मिल गया 65536। नेक्स्ट जो प्रिंट एफ स्टेटमेंट है इसमें लिखा है स्टार स्टार आर, तो एक स्टार की जगह हमने लिखा वैल्यू एट एड्रेस, आर की जगह उसकी वैल्यू 65532। तो यहाँ से हमें आउटपुट मिलेगा 65528। 65532 पर हम वैल्यू देख लेंगे 65528। तो यहाँ से इस एक्सप्रेशन से हमें आउटपुट मिला 65528। अब एक स्टार और लग रहा है आगे, तो वापस वैल्यू एट एड्रेस 65528। तो 65528 पर क्या वैल्यू है हम देख लेंगे यहाँ पर 65524। तो यहाँ से हमें आउटपुट मिला 65524। इसके बाद जब यहाँ पे लिखा हुआ है प्रिंट एफ स्टेटमेंट स्टार स्टार क्यू, तो स्टार की जगह वापस हमने एक वैल्यू एट एड्रेस लिखा और क्यू की जगह उसकी वैल्यू लिखी 65528। अब हम यहाँ से देखेंगे कि 65528 जो है 65528 पर वैल्यू क्या है। तो यहाँ से हमें मिलेगा 65524 और एक स्टार आगे लग रहा है वापस यहाँ पर वैल्यू एट एड्रेस 65524। तो 65524 पर क्या वैल्यू है हमारी 3। तो यहाँ से हमें आउटपुट मिलेगा 3। नेक्स्ट स्टेटमेंट है प्रिंट एफ परसेंट यू एन परसेंट पी। तो एन परसेंट है एड्रेस ऑफ ऑपरेटर, तो एड्रेस ऑफ पी, तो एड्रेस ऑफ पी क्या है 65528। तो यहाँ से हमें आउटपुट मिला 65528। पॉइंटर्स में इतना ही। थैंक यू।